रिलायंस जियो सिम की इंटरनेट अन्य कंपनियों के मुकाबले ज्यादा है, ये बात आप भी जानते हैं। पिछले 8 महीनों से जियो ट्राई की स्पीड टेस्ट में पहले पायदान पर है। जब जियो का इंटरनेट चलता है तो कई बार 50-55 Mbps तक की स्पीड मिलती है और कभी कभी ये रुलाता है तो 150 Kbps भी स्पीड हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर जियो की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। आइए जियो की स्पीड बढ़ाने के 4 शानदार तरीकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला तरीका पफिन ब्राउजर। अगर आप जियो सिम से वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो पफिन ब्राउजर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इस ब्राउजर की डाउनलोडिंग स्पीड शानदार है। ये भी हो सकता है कि आपके इस पर यकीन ना हो, लेकिन जैसे ही मैंने इसे इस्तेमाल किया तो ये बेहतरीन ब्राउजर है। इसे आप ट्राई कर सकते हैं। इस ब्राउजर को आप गूगल प्ले स्टोर से पफिन वेब ब्राउजर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका एयरप्लेन मोड है। वैसे तो आपको इस पर हंसी आएगी, लेकिन अगर इस ट्रिक को आप खुद ट्राई करेंगे तो कहेंगे अरे वाह। इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए फोन को फ्लाइट मोड या एरोप्लेन मोड पे करना होगा और फिर एरोप्लेन मोड से हटा लेना होगा। इसके बाद आप पाएंगे कि आपकी स्पीड पहले के मुकाबले ज्यादा है। ऑप्टिमाइजर ऐप, सबसे पहले स्पीड बूस्टर या ऑप्टिमाइजर ऐप डाउनलोड करें। इसके बाद रूट या नॉन रूट का विकल्प चुनें। आमतौर पर फोन नॉन रूट मोड में ही होता है, तो नॉन रूट विकल्प पर ही क्लिक करें। इसके बाद इस ऐप को बैकग्राउंड में चलने दें। थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कैशे क्लियर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब भी लैपटॉप या मोबाइल अटक कर चलता है तो आमतौर पर सबसे पहले कैशे ही क्लियर किया जाता है। कैशे क्लियर करने से ब्राउजर और ऐप की हिस्ट्री खत्म हो जाती है, ऐसे में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कैशे क्लियर करने के लिए फोन की सेटिंग्स में जाकर स्टोरेज में जाएं और कैश्ड डाटा पर क्लिक करें। इसके बाद क्लियर पर क्लिक करें और कैशे क्लियर करने के बाद आपको स्पीड में अंतर खुद ही पता चल जाएगा।